गणतंत्र दिवस को यो शुभ उपलक्ष्य में खरसाङ को WPLVF खेल मैदान में अब भी कई क्षण हामी आज को गणतंत्र दिवस समारोह को शुभारंभ करने आज का कार्यक्रम को प्रमुख अतिथि महोदय महकुमा अधिकारी सब डिविजनल अफिसर श्रीमान ईशा जय बताए इसको आगमन भइसकेको छ अनि वहाँको कर कवलबाट हामी राष्ट्रीय झण्डोत्तोलन गर्नेछौं। श्रीमान 74वां गणतंत्र दिवस परेड पर एक परेड कमांडर, पांच कंडीजन कमांडर, एक एनबीएफ कंडीजन, एक होमगार्ड कंडीजन, एक पूर्व सैनिक कंडीजन, दो एनसीसी कंडीजन, तीन कैराटे, एक फायर स्टेशन, एक बैंड पार्टी साथ आपका रिहर्सल के लिए तैयार है श्रीमान। परेडको निम्ति आउनुभएका विभिन्न दलहरूको निरीक्षण गर्नुहुनेछ र उहाँलाई एस्कोर्ट गर्नुहुनेछ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर सुब्रत घोष, साथसाथै उहाँको साथमा हुनुहुन्छ असिस्टेन्ट कम्पनी कमान्डर टीएन शेर्पा।
श्रीमान मास पास करने का इजाजत चाहता हूं। श्रीमान आज हमारा प्रमुख अतिथि खरसान का लोकसभा शासक एसडीएसपी ईसा जैनब आईएएस ने परेड को क्रम में सलामी मंच तरफ अगि बढ़ी रहे प्रथम चोटी रहे जब्लू पीएलडीएस खरसान को चोटी जिसको नेतृत्व शिवनाथ लोहार ने साथ ही प्राचीन कमांडर रंजीत मुर्मू
साथ खरसान का एक प्रतिष्ठित विद्यालय स्पोर्टिंग स्कूल बैंड के विद्यालय के साथ प्रतिष्ठा पावन दर्शक महानुभव गणतंत्र दिवस परेड को समाप्ति पछि हमारा आज का प्रमुख अतिथि महोदय महकुमा अधिकारी खरसाङ श्री इजाज अहमद आयुषलाई आफ्नो संभाषण राखिदिनु हुन हामी नम्र निवेदन गर्दछौं। नमस्कार। आज भारत को 74वां गणतंत्र दिवस हो। सर्वप्रथम मो इजाज अहमद महकुमा अधिकारी देश को 74वां गणतंत्र दिवस को उपलक्ष्य में उपस्थित समाज का वरिष्ठ नागरिक समस्त खरसाङवासी अनि मेरो प्यारो विद्यार्थी नानीहरू सबै सबैलाई गणतंत्र दिवस को धेरै धेरै शुभकामना दिदिन्छु। हाम्रो देश स्वतंत्र बनाउने ती वीर स्वतंत्रता संग्रामी शहीदहरूलाई आज को दिन समस्त खरसाङवासी को तर्फबाट म हृदयबाट नमन गर्दछु। आज हम सारे लोग सारे खरसाङ के नागरिक जन यहाँ एकत्रित हुए हैं भारत के गणतंत्र दिवस इस पावन अवसर पे इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को और विशेषकर मेरे सारे विद्यार्थी मित्रों को मैं ये बताते चलूं कि ये गणतंत्र दिवस हम क्यों मना रहे हैं। आप सब लोग जैसा जानते हैं कि आज से 75 वर्ष पूर्व जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे अतीत के अनुभवों को जो काफी कड़वे थे और तीखे थे उससे हमारे स्वतंत्रता संग्रामी और जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे उन्होंने अपने अनुभवों से सीख लेते हुए भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करने का जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें यह तय किया गया कि भारत एक गणराज्य होगा और 1950 के 26 जनवरी को भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया और उस दिन हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव कॉन्स्टिट्यूटेड आवर सेल्फ एज रिपब्लिक और हम लोगों ने अपने लिए एक गणराज्य का निर्माण किया और अपने आप को हम लोगों ने यह तय किया कि हम एक संविधान के रूप के तहत हमारा जो राज्य होगा वो संविधान के तहत होगा और सारी की सारी जो नीति निर्धारण का कार्य होगा वो हमारे संविधान के तहत होगा और जो भी राज्य एक खुद के द्वारा निर्मित किया गया संविधान के तहत कार्य करता है उसे गणराज्य कहते हैं और भारत एक वैसा ही
स्वतंत्र गणराज्य है और ये गणराज्य भारत के इतिहास में जब आप देखेंगे तो बहुत पहले महाजनपद काल से हम लोग भारत में छोटे छोटे गणराज्य हुआ करते थे, लेकिन हमारे अतीत में बहुत सारे उपनिवेशवादी शक्तियां आई और भारत को उन्होंने अपना एक उपनिवेश बनाया, जिसमें कई सौ सालों तक हम इंग्लैंड के सिंहासन के तले एक उपनिवेश रहे और उनकी जितनी भी नीतियां थी वो हमारे लिए काफ़ी कष्टकारी थी और एक्सप्लॉयटरी थी। उन लोगों ने हमारे संसाधनों का दन जम के दोहन किया और सारे के सारे जितने भी नीतियां उन्होंने बनाई हमारे खिलाफ बनाई। इसीलिए स्वतंत्रता के पूर्व हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने ये तय किया कि हम एक गणराज्य होंगे, हम अपने द्वारा निर्मित एक संविधान के तहत कार्य करेंगे, जो भी कार्य होगा, जो भी नीति निर्धारण का कार्य होगा वो हमारे खुद के लोग उन नीतियों को बनाएंगे ताकि वो हमारे हितकारी हों, वो हमारे इंटरेस्ट में हों, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और वो फ्यूचरिस्टिक हो ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उससे फायदा हासिल कर सकें। जब संविधान लागू हुआ और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान को जब हम लोगों ने अंगीकृत किया तो संविधान का जो पहला अध्याय है वो हमारा प्रियम्बल है और प्रियम्बल में हमने सीधे सीधे ये कहा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ, हमने कंस्टिट्यूट किया अपने आप को सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये पांचों ऐसे शब्द हैं जिनसे हमको ये पता चलता है कि हमने भारत के लिए भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम भारत को एक सॉवरेन के रूप में देखना चाहते हैं। भारत एक संप्रभु राज्य है, इसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन किया करते थे तो इंग्लैंड की महारानी हमारे संप्रभु हुआ करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद हम भारत के लोग ही संप्रभु हैं क्योंकि हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया है और हमने एक्सेप्ट किया है कि वी विल बी रूल्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने एक समाजवादी संविधान का खाका तैयार किया है जिसमें हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जितने भी लोग हैं सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए और सबके हित के लिए नीति निर्धारण का कार्य किया जाए। हमने भारत को एक सेकुलर राज्य के लिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने सपना देखा और संविधान में भारत को एक सेकुलर राज्य का दर्जा दिया। हम भारत के लोग सारे धर्मों को एक नजर से देखते हैं, किसी के साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई भी बायसनेस प्रिजुडिस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सारे के सारे धर्मों को बराबर एक दृष्टि से देखता है। फिर हमने भारत को एक डेमोक्रेसी के रूप में देखा है जहां हम ही लोग अपने ही अंदर से ऐसे लोगों को चुन के लाएंगे जो हमारे वेलफेयर के लिए नीति निर्धारण का कार्य करेंगे। और जो पांचवा शब्द था रिपब्लिक, रिपब्लिक जो आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वो हमारे संविधान के प्रियम्बल में है कि हम भारत के लोग अपने द्वारा निर्मित संविधान से ही राज्य करेंगे, हम किसी अन्य शक्ति के द्वारा अपने ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी संविधान लागू नहीं होने देंगे, हमने जिस संविधान को बनाया है हम उसी के तहत रूल होंगे। इसके बाद मैं बताता चलूं आपको कि हमारे प्रियम्बल में हमारे पूरे संविधान की एक रूपरेखा दी गई है, एक जिस्ट दिया गया है, जैसा कि एक मोरल और एथिकल फ्रेमवर्क जिसको कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक मोरल फ्रेमवर्क है जिसके अंडर में हमको रह के हमारे स्टेट को रह के हमारे लोगों के लिए हमारे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। लेकिन जब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम पाएंगे कि बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे हम अनभिज्ञ हैं, अनअवेयर हैं। जैसे जब संविधान हमको राइट्स देता है, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू इक्वालिटी, लेकिन उन राइट्स के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है जिसको
को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरा खास करके मेरे विद्यार्थी दोस्तों से ये अनुरोध है कि हम सिर्फ और सिर्फ राइट्स को ना देख के हम फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि हमारा संविधान जब हमें राइट्स देता है तो हमें कुछ ड्यूटीज भी देता है, ड्यूटीज टू बी अबाउट टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा सारा का सारा जो भी हमारा एक्टिविटीज हो, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज पब्लिक में हो प्राइवेट में हो, इट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश का नाम खराब हो। वी शुड डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर टूवर्ड्स द वर्ल्ड। हमारा एक साइंटिफिक टेम्पर हो हर एक एक्टिविटीज को, हर एक फेनोमेना को, हर एक हैपनिंग को, हर एक इंसिडेंट को देखने का और उससे सबक हासिल करने का, ताकि हम भारत को और आगे से आगे ले जा सकें। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और एक बार और आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। जय हिंद। हाम्रा प्रमुख अतिथि महोदयलाई उहाँको सम्भाषणको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, प्लाटुन कमान्डर रञ्जित मुर्मुको नेतृत्वमा भने परेड वीरसरको निम्ति अघि बढिरहेको छ।
तस्वीर में आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न विभाग भएका पदाधिकारी साथ प्रतिनिधिगण पनि आइसक्नुभएको छ। हामी उहाँ सबैलाई सबग्रमा अभिवादन साथै स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। सबै सबैलाई 74औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सुभेच्छा। आज हामीको पुनः छोडी तपाईँहरूलाई लक्ष्य प्रेम मंगलमय शुभकामना। हाम्रो देश भारतले अङ्ग्रेजहरूको शासनबाट 15 अगस्त 1947 सालमा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो र पछि आएर 26 जनवरी 1950 भारतको संविधान लागू भयो। त्यसैले हामी यो दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा पालन गर्दछौँ। गणतन्त्र भनेको देशमा बसोबासो गर्ने जनताको सर्वोच्च शक्ति हो र यसले देशलाई सही दिशामा लैजाने हेतु जनतालाई आफ्नो इच्छा अनुसारको प्रतिनिधि छान्ने अधिकार दिँदछ। आजको दिनले 1950 सालमा भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 हटाएर भारतको संविधान लागू गरिएको थियो। एउटा स्वतन्त्र गणराज्य बन्नु अनि देशमा कानुनको राज स्थापित गर्ने हेतु संविधानलाई 26 नोभेम्बर 1949 भारतीय संविधान सभाद्वारा पारित गरेपछि 26 जनवरी 1950 यसलाई लोकतान्त्रिक सरकार प्रणालीद्वारा लागू गरिएको हो र त्यस दिनदेखि हामी यो राष्ट्रिय पर्वलाई मनाउँदै आइरहेका छौँ। पुनः एकचोटि उपस्थित समस्त महानुभावहरूलाई 74औं गणतन्त्र दिवसको मङ्गलमय शुभकामना। केही क्षणमा नै अब पनि हामी तपाईँहरूको मनोरञ्जनको निम्ति रङ्गारङ साथसाथै सांस्कृतिक कार्यक्रम आरम्भ गर्नेछौँ। केही क्षणको प्रतीक्षा साच्नुहोला। प्रारम्भ गर्दै कार्यक्रममा प्रथम प्रस्तुति राख्नु हुँदैछ यो देशभक्तिको गीत। कलाकार हुनुहुन्छ शेखर चन्द्र राई। हाम्रो भारत देशको 74औं गणतन्त्र दिवस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका महकुमा शासक भूतपूर्व सैनिक साथै पार्टिसिपेट गर्नु हुनुभएका सबै दर्शक महानुभावलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु। र म वेस्ट बेङ्गल आइएमसी रेडका एलबिटी कलाकार शेखर राईद्वारा एउटा देशभक्ति गीत हजुर समक्ष गाउने गरेको छु। स्वीकार गर्नुहोला है। पटकर मरते हैं कई प्रतिरंगी।
अगिलो प्रस्तुति को निम्ति मेरो भाई ए साथी शौरा तनाव गणतंत्र दिवस को शो शर्मा WPNVS खेल मैदान दर्शकवृन्द ले अहिलेलाई पनि लुप्त उठाउनु हुँदैछ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम को र विविध अन्य प्रस्तुतिहरू पनि रहेको छ आजको यो कार्यक्रममा अहिलेलाई पनि कल्चरल प्रोग्रामलाई नै अघि बढाउँदै अपने बहु महिमा थामी जो हुनुहुन्छ रामकृष्ण हाई स्कूल खरसाङबाट उहाँलाई यो माइक्रोफोन सुकिरहेछु उहाँको देशभक्ति को गीत त उहाँले नभएर उहाँले एउटा आधुनिक गीत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ त महिमा थामीलाई अपने बहु माइक्रोफोन सुकिरहेछु
वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक पाठशाला का छात्र सुश्री महिमा थापीलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको प्रस्तुतिको निम्ति। दर्शक महानुभावहरू, कतिपय प्राविधिक कारणले गर्दा केही क्षणको निम्ति हामी यस सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई अल्प विराम लगाइरहेछौँ। कृपया धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुने हामी तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन गर्दछौँ। अघिल्लो क्रममा भने लोक प्रसार प्रकल्पका कलाकारहरूबाट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ देशभक्तिको यो नृत्य, जसलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ थोरै बेलामा अनि साथीहरूले सुरज पालमेघीज्यूलाई माइक्रोफोन सुपिरहेछु, उहाँको सुनिल आवाजमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ देशभक्तिको। र सबैजनालाई नमस्कार, र म एउटा प्याट्रोटिक सङ गाउन लागिरहेछु, म आशा गर्छु सबैहरूले मन पराइदिनुहुन्छ। लोकवाद्य टम्पू, त्यसपछि अन्य लोकवाद्य वादन जस्तै टुङ्गा आदिको साथमा पनि गाइने गरिन्छ। तामाङ सेलो धेरै आकर्षक, जीवन्त अनि मधुर हुन्छ र यसले प्रेम, दुःख, सुख र दैनिक जीवनको घटनालाई दर्शाउँदछ। र यही तामाङ सेलोमा आधारित यो पारम्परिक नृत्य लिएर आउनुहुँदैछ सूचना अनि सांस्कृतिक विभाग जिटिएका कलाकारहरू।
एक होनहार गायक भी हो नरेंद्र थापालाई वहाँ।